नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बांका जिले के अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय की सख्ती देख विगत 15 दिनों के अंदर कई कांडों के फरार अभियुक्तों ने जहां एक तरफ बांका न्यायालय में सरेंडर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 302 के अभियुक्तों को थाना अध्यक्ष ने खदेड़ कर गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसमें चर्चित रितेश कसेरा हत्याकांड, म्यांमा गांव स्थित ठाकुर हत्याकांड, भलवार स्थित डीलर हत्याकांड एवं गडेर गांव स्थित हत्याकांड शामिल है। सभी मामले वर्षों से लंबित था, जिसे निवर्तमान थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने चुनौतीपूर्ण स्वीकार करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। शेष अभियुक्त फरार चल रहे थे। फरार अभियुक्त थाना अध्यक्ष की सख्ती देख आनंद फानंद में बांका न्यायिक हिरासत में आत्मसमर्पण कर दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि वर्षों से लंबित कांडों का निष्पादन कर लिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को प्रतिदिन गिरफ्तारी करने का सख्त आदेश दिया गया है। अपराध कर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अमरपुर में शांति व्यवस्था बहाल करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। बांका जिले के पंजवारा बैदाचक कचमचिया बालू घाट के पास चीर नदी के किनारे मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन रविवार को पंजवारा के मुखिया भोला पासवान, पूर्व सरपंच सुनील सिंह, बाराहाट टीम के कोच राजेश कुमार चौधरी, व्यवसायी आलोक सराबकी के द्वारा किया गया। उद्घाटन मुकाबला बाराहाट की महिला और पुरुष मिश्रित मिथिला क्रिकेट एकेडमी टीम और स्थानीय डुमरकोल टीम में खेला गया। इस मुकाबले में बाराहाट टीम की कप्तान बिहार महिला राज्य क्रिकेट टीम में खेल चुकी क्रिकेटर दीपा कुमारी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए बाराहाट की टीम ने निर्धारित 16 ओवरों में 9 विकेट खोकर 104 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में डुमरकोल की टीम 84 रन ही बना पाई और बाराहाट की टीम ने यह मुकाबला 20 रनों से जीत लिया। बाराहाट की ओर से मैच में 30 रन बनाने वाले सीमम को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका में पुतु नरेश सिंह एवं बलवंत कुमार, स्कोरर अनिकेत, कमेंट्री यशवंत कुमार एवं पिंटू पंडित ने की। आयोजन को सफल बनाने में कमेटी के रामचंद्र मंडल, गोलू, विजय मंडल, मिथुन राउत, संजय राउत, आनंद आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। मैच का आनंद लेने बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।